आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसे सफल बनाने के लिए निगम भिलाई परिसर में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तिरंगा विक्रय केंद्र बनाया गया है। इस वर्ष हमारा भारत देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा देशवासियों से अपील की गई है कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में, कार्यालय में तिरंगा झंडा लहराएं। इसके लिए हर वर्ग समुदाय अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई परिसर के भीतर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तिरंगा विक्रय केंद्र बनाया गया है, जहाँ देश के तिरंगे झंडे के साथ अन्य देशभक्ति से प्रेरित सामानों की बिक्री की जा रही है और निगम आने वालों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस विक्रय केंद्र को देख लोग उत्सुकता पूर्वक यहां आ रहे हैं और देशभक्ति के जज्बे को दिखाने के लिए सामग्रियां भी खरीद रहे हैं। घर तिरंगा ना, घर घर तिरंगा, आजादी का महोत्सव 75 साल निगम में हम लोग स्टॉल लगाया है तिरंगा झंडा की। क्या क्या बेच रहे हैं इसमें? है तिरंगा झंडा है, बैच है, बिल्ला है, बलून है, स्टिकर भी है। निगम कर्मचारी लोग को जागरूक कर रहे हैं और हमारे स्व सहायता समूह से विक्रय भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। इस वर्ष काफी गौरवपूर्ण माहौल में हमारा देश और हम आजादी का 75वां उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे गर्व के साथ अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराकर और सर उठाकर भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।